काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर ये लॉज की बात अभी कर रहा था कि लॉज जो केमिस्ट्री के लॉज हैं वो केटीजी से प्रूव किए जा सकते हैं, जिसमें ये सब लॉज आपने किए हुए हैं केमिस्ट्री में, बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडल गैस, ये सब किया हुआ है। और आर के यूनिट्स क्या होते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी, आर इक्वल टू पी वी बाई टी एन। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम हमेशा वर्क डन होता है गैस का, तो वर्क डन अपॉन टी इंटू एन। तो अगर आप वर्क डन के यूनिट्स जूल में ले रहे हैं तो इसके यूनिट क्या बनेंगे, जूल पर केल्विन पर मोल। और अगर आप यूनिट्स इसके कैलरी में ले रहे हैं तो कैलरी पर केल्विन पर मोल, जो मर्जी ले लें। अगर आप जूल में ले रहे हैं तो आर की वैल्यू केमिस्ट्री में की होगी 8.31 है, और कैलरीज में ले रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है, 2 है। ये आपने केमिस्ट्री में किया और केमिस्ट्री के अंदर से ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखना जरा क्या क्वेश्चन है, बॉयज लॉ पे चेक करें। तो क्वेश्चन है, एज एन एयर बबल राइजेज फ्रॉम बॉटम ऑफ द लेक टू द सरफेस। तो एक एयर का बबल है जो बॉटम ऑफ द लेक से सरफेस की तरफ आता है, इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, वॉल्यूम डबल हो जाता है। कोई मुझे बताएगा यार, पानी के अंदर किसी डेप्थ पे एक बबल है वो ऊपर आके वॉल्यूम डबल क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है। ये पानी के नीचे जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा है तो वो दब जाएगा, ऊपर आएंगे पानी का प्रेशर कम होता जा रहा है, बबल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक टेम्परेचर कह रहा है कि सेम है। अब एक एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी दे रहा है 76 सेंटीमीटर मरकरी, हमें ऑलरेडी पता है। हमें क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ द लेक निकालनी है, एच की वैल्यू बतानी है क्या है। अब ये बताओ कि अगर ये लिक्विड है और बबल यहाँ पे है, ये बबल यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर अगर प्रेशर पी है, पी इंटू वी इज अ कॉन्स्टेंट, पक्की बात है ना, पी इंटू वी इज अ कॉन्स्टेंट है यहाँ पे और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो अगर आपका वॉल्यूम यहाँ से यहाँ डबल हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, हाफ हो गया, पी इन टू बी कॉन्स्टेंट ना। तो अगर आप वॉल्यूम को डबल कर रहे हो प्रेशर हाफ हो गया, तो यहाँ पे टॉप सरफेस पे प्रेशर होता कितना है, 1 एटमोस्फेरिक, तो नीचे कितना होगा, 2 एटमोस्फेरिक, क्योंकि ऊपर आधा हो गया तो नीचे आने में डबल हो गया प्रेशर। तो हमें यह पता लग गया कि जब ये बबल बिल्कुल बॉटम में है तो प्रेशर कितना है, 2 एटमोस्फेरिक। अब मुझे ये मुझे एक चीज और पता है कि अगर मेरे को ये पता है कि प्रेशर बॉटम पे 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, इसके अंदर एक एटमोस्फेरिक प्रेशर तो यहीं से आए हुए है, ये तो एयर का प्रेशर है एक एटमोस्फेयर, प्लस बाकी जो प्रेशर होगा एच रो जी वो किसकी वजह से है, पानी की हाइट की वजह से है। देखो ना, अगर मैं कह रहा हूं यहां पर प्रेशर है कितना, वैसे आपसे प्रेशर के चैप्टर में से पूछूं यहां का प्रेशर कितना है, आप बोलेंगे पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी, यही बोलेंगे। अब पी एटमॉस्फेरिक है कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी। तो इसका मतलब एच रो जी, एच का रो का मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर है, इसमें एच रो जी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मानते हो इस चीज को, सही है यहां तक, तो एच रो जी 1 एटमॉस्फेयर है। तो H निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे पता है, G इज इक्वल टू 1 एटमोस्फेरिक। 1 एटमोस्फेरिक होता क्या है, लिखा हुआ था 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। तो एक काम करते हैं, H इंटू 1 इंटू G इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का मतलब 76 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू G, सॉल्व करके H निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, G से G कैंसिल। समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो 1 एटमोस्फेरिक को लिख लिया एच रो जी, That is 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम, और पानी का प्रेशर एच रो जी, और यहाँ पर डेंसिटी पानी की यहाँ पर मरकरी की,
सॉल्व करोगे आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, इसके अंदर एच निकाल लेना, आंसर आ जाएगा इसमें 10.34। ये सिंपल क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, तो मैं नहीं करवा रहा। P1V1 by T1 is P2V2 by T2, ये सेम है, ये बाद में करवाऊंगा, अभी नहीं करना हमने इसमें, ये करो, ये आ जाता है। वेसल ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, कंटेन्स आइडल गैस एट 300 केल्विन एंड इतना प्रेशर है। गैस लीक हो रही है, मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, मोल्स बाहर निकल रहे हैं, और प्रेशर इतना गिर गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गैस लीक्ड अज्यूमिंग दैट टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो कितने मोल्स निकल गए ये बता दो। तो मोल्स पहले थे कितने? P1 × V/RT, और अब कितने? P2 × V/RT, क्योंकि इस क्वेश्चन में टेम्परेचर क्या है? कॉन्स्टेंट। और कंटेनर जिसमें से गैस लीक हो रही है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंटेनर तो सॉलिड का है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स N1 है उसी वॉल्यूम में, अब नंबर ऑफ मोल्स N2 है इसी वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, मॉलिक्यूल खुले खुले हो जाएंगे और तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए वैल्यूज पुट करके आंसर, ठीक है? तो कैसे गैस लीक होगी समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये जो शीट थी ना, ये सारी केमिस्ट्री बेस्ड शीट थी। तो ये मतलब एक इंट्रोडक्शन दी गई है कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी इसमें बॉयल वगैरह पे आ सकते हैं। असली जो असाइनमेंट्स हैं ये दो हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करो, अगली पे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसे करेंगे।